नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ड्यूबडी स्मित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ड्यूबडी पे। फाइनली आपकी एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो चुकी है और आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी चालू हो चुकी हैं। लेकिन अभी काफी लोगों के मन में डाउट है सोसाइटीज के बारे में कि सोसाइटीज का क्या फंक्शन है, क्या हमें सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए, इस साल सोसाइटी ज्वाइन करने का प्रोसीजर क्या होगा। इस वीडियो में हम इन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे एक एक करके। फर्स्ट मैं आपको सोसाइटीज के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ। सोसाइटीज आपको हेल्प करती हैं आपके पैशन को फॉलो करने का अपनी एकेडमिक्स के साथ। जैसे मान लीजिए आपको डांस करना पसंद है तो आपके कॉलेज की डांस सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मतलब डिबेट पसंद है तो आप डिबेट सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं, फैशन सोसाइटी। ऐसे करके आपके पैशन से रिलेटेड बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं आपके कॉलेज में, आप वो सब ज्वाइन कर सकते हैं अपनी एकेडमिक्स के साथ साथ। अगर आप सोसाइटी ज्वाइन करते हैं तो आपको अटेंडेंस में भी कुछ रिलैक्सेशन मिलती है। वो सब इंफॉर्मेशन आप अपने सोसाइटी के प्रेसिडेंट से पूछ सकते हैं एक बार जब आप अपनी सोसाइटी को ज्वाइन कर लेते हैं। पहली बात तो ये काफी लोगों के क्वेश्चन था कि क्या एक ना एक सोसाइटी ज्वाइन करना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है, सोसाइटी ज्वाइन करना कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको एक सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए। उससे आपको मतलब मौका मिलता है कि एज ए टीम वर्क काम करने का, दूसरे लोगों से मिलने का, एक दूसरे कॉलेज में जाके परफॉर्म करने का। मान लीजिए आप डांस सोसाइटी में हैं तो आपको मौका मिलेगा कि आप मतलब डिफरेंट फेस्ट हो गए या फिर और कोई इवेंट्स हो गए, उसमें आप दूसरे कॉलेज में जाके परफॉर्म करें स्टेज पे। डिबेट में है तो आप वहां जाके डिबेट करें, मॉडलिंग में है तो वहां जाके आप स्टेज पे एज ए मॉडल मॉडल परफॉर्म करें। तो आपको ये सब आइडिया मिलता है अपनी सोसाइटी से। तो मैं आप सभी को बोलूंगा आप सोसाइटीज में ट्राई जरूर करें। अभी बात आती है कि इस साल सोसाइटीज का प्रोसीजर क्या होगा। इस साल सोसाइटीज आपको अपने आपके जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे आपको गूगल फॉर्म का लिंक सेंड करेंगे। आप गूगल फॉर्म के लिंक को फिल करेंगे। जिस भी सोसाइटी में आप इंटरेस्टेड हैं, आप एक या एक से ज्यादा सोसाइटीज में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप गूगल फॉर्म को फिल करेंगे तो उसके बाद गूगल फॉर्म में क्वेश्चन होंगे आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, मतलब आपके बारे में, आप कहाँ से आते हैं, क्या नाम है आपका, ये सब। और उसके अलावा दो तीन एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो मतलब आपको स्क्रीनिंग में काम आएंगे, जैसे कि वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस सोसाइटी, आपका पास्ट मतलब आपने क्या इससे रिलेटेड कुछ काम किया है, मतलब आपकी हॉबीज क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है और आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। इस टाइप के 4 to 5 क्वेश्चन होंगे जिसके बेस पे आपकी स्क्रीनिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट स्क्रीनिंग इसके बेस पे होती है। उसके बाद लास्ट ईयर तक स्क्रीनिंग के बाद वो लोग एक ग्रुप डिस्कशन करवाते थे, मतलब जैसे डिबेट सोसाइटी वगैरह हो गया, प्लेसमेंट सोसाइटी हो गया, इन सब में ग्रुप डिस्कशन होता था। बाकी सोसाइटी जैसे डांस म्यूजिक वगैरह ड्रामा वगैरह की होगी, उनका मतलब वही चलता था कि वो आपको परफॉर्म करवा के देखते थे, ऑडिशंस लेते थे, उस बेस पे होता था। और बाकी ये जो पिनेकल है, रामजस की, ये सब सोसाइटीज आपका एक ग्रुप डिस्कशन करवाते थे। फाइनली उस ग्रुप डिस्कशन के बाद जो बच्चे उस ग्रुप डिस्कशन को पास करते थे उनका पर्सनल इंटरव्यू होता था। इस साल मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि ग्रुप डिस्कशन पॉसिबल नहीं होगा, तो जो गूगल फॉर्म से जितने बच्चे स्क्रीनिंग होगी उसके बाद उनका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बेस पे आपकी सोसाइटीज में आपको मतलब सिलेक्शन होगा। तो आप एक से ज्यादा सोसाइटीज में भी अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपने अप्लाई कर दिया उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। सेकेंड, मतलब जो ये बाकी सोसाइटीज हैं म्यूजिक डांस ड्रामा वगैरह, इन सब का ऑडिशन कैसे होगा इस बार, आपको आपकी वीडियो बना के सेंड करनी पड़ेगी। बाकी गूगल फॉर्म वाला प्रोसीजर सेम रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू की जगह आपको अपनी स्किल्स की वीडियो बना के उनको सेंड करनी पड़ेगी और अकॉर्डिंग टू दैट आपके जो सीनियर्स जो सोसाइटी को चलाते हैं, वही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सब सेक्रेटरी वगैरह सोसाइटी के होते हैं, वो टीम आपको सेलेक्ट करेगी अगर आप अच्छे टैलेंटेड हैं उस सोसाइटी के लिए, आप फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। तो ये था हाउ टू ज्वाइन सोसाइटीज। उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, जिस सोसाइटी में आपने ज्वाइन किया है वो आपको आगे काम वगैरह देते रहेंगे, कैसे क्या करना है उसकी डायरेक्शन उस आपके सीनियर्स जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वगैरह हैं वो आपको देते रहेंगे।
तो ये सब था सोसाइटी को रिलेटेड, और जो मेन क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन सोसाइटी, व्हाट यू कैन डू फॉर सोसाइटी इफ यू आर सिलेक्टेड, तो सोसाइटी का क्या फायदा है उसमें। अगर मतलब लास्ट ईयर तो ऐसा भी हुआ था, दो लोग का एक साथ इंटरव्यू लेके दो लोग थे कि मैं आपको सिलेक्ट क्यों करूं, इसको क्यों ना करूं। पर्सनल इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे हो सकते हैं, तो आप उन सब से प्रिपेयर रहें, अपनी सीवी, अपनी हॉबीज वगैरह सब आप मतलब लिख के रखें एक फॉर्मेटेड वे में, जो आपको पर्सनल इंटरव्यू में बतानी पड़ सकती हैं। सो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज से रिलेटेड। आप में से काफी लोगों की डाउट थी सोसाइटीज को लेके, सो ये हमने इस वीडियो में क्लियर कर दी है। अगर फर्दर आपको लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुई, या आपको कुछ और भी दिक्कत है दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज से रिलेटेड, या फिर कुछ और दिक्कत है एकेडमिक्स वगैरह, या एनी टाइप मतलब कुछ भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको दिक्कत है, वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। अपनी ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई हैं, क्लासेस लें और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। धन्यवाद।